और ये जो है ना सारे सारे दोस्त फिरावत अस्सलाम वालेकुम ते हम जा रहे हैं व्लॉग ते हम व्लॉग शुरू कर देते हैं सारा ऑर्डर जनाब रेडी। और जो मैं तुहानू दसाया कि इत्थों आप घिनना पौंदे कि टेबल ते सर्व नहीं करेंदे ते बस असां अपना ऑर्डर घिनते थले देने। शुक्रिया दोस्त। सारे दोस्तों भिरावा को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करें सारे खैर खैरियत ना लोसो। दोस्तों अज का व्लॉग शुरू करें पे जनाब। मैं रेडी थी गया दफ्तर वास्ते और तले नाश्ता भी रेडी कर लिते बेगम ने। आमना और हसन सुते पेन हमेशा दी तरह जरा इन टाइम उन्हों का काम है और सुते ही होवे तो अच्छी गल है। अगर आमना उठ वे ना तो वल मेदा निकलना बहुत मुश्किल थी वे उन्हें तू लुक तो निकलना पौधे क्यों जो वरना वो रोंद है कि मैं नाल वजना है। और या तो वाल पहले कोई एक अद्धा बाहर तू चक्कर लगा गई ना उन्दे तो बाद वाल मैं चलो निकल वेना हूँ। अगर मैं डायरेक्ट निकलना हो वाल बहुत मुश्किल होंगे। टाइम थी पे तकरीबन 9:30 का और अब्बा जी भी रेडी हैं। अब्बू को रस्ते मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने और सीधा इंशाल्लाह निकल वेसूँ दफ्तर की तरफ। जनाब लो जनाब नाश्ता रेडी है। सालन नाल जनाब पराठा और नाल मैं घिंदा हुंदा चाय। वैसे तो लस्सी भी बनी हुई है लेकिन चाय मेरे को ज़्यादा पसंद है। नाश्ता करके ना जल्दी जल्दी और वाल निकल दे। अच्छा लाहौर की जी ट्रैफिक है ना वो एक तो बहुत ज्यादा होती है खास तौर पर जो वीक डेज होंगे ना ऑफिस से दफ्तरी औकात खास तौर पर सवेरे। खैर साढ़ा तो टाइम है ना 10 बजे आवन का। ई टाइम जरा रश घट थी वेंदे क्यों जो ज्यादा ऑफिस सरकारी या स्कूल कॉलेज वगैरह का 8:30 बजे का टाइम होंगे वो रश निकल वेंदे। वापसी भी जरा सरकारी टाइम है वह तो निकल वेंदे लेकिन प्राइवेट ऑफिस का यही टाइम होंगे कोई 6:30 का। वो टाइम भी खास तौर पर जरा नहर वाला रोड है ना जिन्हें तो असं वेंदे हाँ इन्हें तो बहुत ज्यादा रश होंगे और इनकी जी पहली पहली लाइन है नहर के नाल भावें तुम वेंदे पे हो या तुम परली साइड तू ऊ साइड से ठोकर वाली साइड से आते पे हो तो यह जरा है ना रश इतना ज्यादा होंगे ना कि अचानक अगर ब्रेक लगे ना तो बड़ा इवें डर जहा लगता है कि अल्लाह ना करे गड्डी जरा ना लग ना वजे और अक्सर एक्सीडेंट जरा है ना पहली लाइन अगर ब्रेक लगी है ना तो वाल 3-4 गड्डिया तो पिछू पक्के हैं जरा लगसन। तो ही गलू लाहौर के बारे च अबू दे दोस्त हैं वो कहते कि अगर कोई बंदा लाहौर ड्राइविंग कर सकते ना वो वाल दुनिया कितें भी ड्राइविंग कर सकते जेरी इत रश की सूरत हाल है। खैर ये टाइम तो बड़ा सुकून वाला होंगे जेरे टाइम असा निकलते हैं। बस मैं हमने दफ्तर के बिल्कुल करीब पहुँच गया जनाब। मैं ऑफिस चले आया ना तो मेरे को एक वीडियो भेजी है भाई ने और बल्कि भाभी ने और आयशा जो है ना वो क्यों जो दुबई है और आयशा ने भाभी को आके कि मेरे को मोबाइल दिखाओ अपना और उन्होंने मोबाइल घिनते जनाब उन्हें शुरू कर दी व्लॉगिंग मेरे वाले स्टाइल बिस्मिल्ला सही क्यों जो अक्सर अलहमदुल्ला सा नाल ही होंगे आयशा के तो वह बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्हें जो है ना वो कॉपी किए और ये देखो जरा तुसा वीडियो देखो पहले बिस्मिल्लाह सही सारे दोस्तों फिरावा तू अस्सलामु अलैकुम व्लॉग में आने के लिए और ये जो है ना सारे सारे दोस्तों फिरावा तू अस्सलामु अलैकुम ते हम जा रहे हैं व्लॉग ते हम व्लॉग शुरू कर देते हैं ते व्लॉग शुरू कर देते हैं ते हम घूमने फिरने गए थे ते अंदर जाना फिर अल्लाह ते
सारे दोस्तों फिर आवा तो सलाम वालेकुम। और ना सादा ये है कि घर ज्यादा जरा है ना है तो गलत गाल लेकिन उर्दू बुलंदन सारे ना अम्मी अबू आपस में इतना सराइकी है गाल करें दें लेकिन असा सारे जरा है ना आपस में उर्दू ही बुलंदन और खास तौर पर बाला नार तुसा देखते हो व्लॉग इच भी आमना दे नाल आयशा दे नाल असा उर्दू इच गाल करें दें हालांकि मेरा बड़ा दिल करें दे कि लाजमी इन्हां को सराइकी आवनी चाहिए है पंजाबी आवनी चाहिए है साड़ी मादरी जबान सराइकी है ते ओ जे रहे ना आयशा सुन सुनते और इंशाल्लाह आमना भी सुन सुनते उम्मीद है सिख वैसे लेकिन आयशा ने जेरे मज़े किस्म का मज़ेदार किस्म का व्लॉग किए ना ओ जनाब मेरे को बहुत चस आई है और बहुत मज़ा आए और मज़े की गल है उन्हें कढ़ाण मेरे सामने कढ़ाण भी इवें नहीं किया व्लॉग तो अक्सर नाल आती लेकिन मेरे सामने कढ़ाण उन्हें इंज किया ही कह नहीं और जल्द मेरे को वीडियो आई है ना तो मज़ा आ गया जनाब एक दफ़ा और मेरे को तो लगता है हम जरा ना एंट्री जरा इंट्रो है ना जरा स्टार्ट जितू व्लॉग आयशा की मौजूदगी आयशा तू ही करवाना पोसे विकास भाई खाना आया हुआ है तो आप ये क्या खा रहे हैं आपकी भी डाइटिंग चल रही है हंजरा साहब की तरह क्या बात है यार ए तो आपको पता है मम्मी डैडी लोग जरा है ना वो ब्रेड नाल जरा खाना शाना खासे और असा जरा है ना आज जनाब साडा सालन आए आलू गोश्त लेकिन घरों क्यों जो मैं नाश्ता करते हैं तो फिलहाल बिल्कुल जरा है ना तलब कह नहीं तो मैं खाना तो ला दीते एक सवा एक बजे खाना खा गिने होंगे लेकिन अज वाल जरा है ना खाना खासूँ जनाब कोई एक दो घंटे बाद दो विकास लाट के दो बजे के बाद ठीक है जनाब हसन खैर आज बड़ी खूबसूरत शर्ट पहन के आया हुआ गलती से ना जी ना लगता है आज हसन की कितनी तैयारी है कितने वेंदा पे जे रहे ड्रेसिंग है ना उनके मुताबिक तो यही लगता पे क्यों विकास सर ऐसे ऐसे मैं वही कह रहा हूं समझा रहा आज कहीं पे मैं जनाब दफ्तरों निकलदा पे टाइम थी गए 6 बजे दा शाम दे 6 बजे पे और एक दो दोस्तों को मिलना है और आज वाकई मिलना है और रस्ते चांदे पे एक दोस्त को घिनने और एक दोस्त से कलमा चौक दे कोल आंदा पे बस उन्हां दे कोल वेंदे आ उन्हां दे नाल किथे बाहे ते कोई चाह पानी करेंदे आ नाल कोई गप्पा शप्पा लेसूं जनाब और उंदे तो बाद जरा घर निकल वेसूं असां पहुंच के हां जी पंजाब यूनिवर्सिटी क्लब खाना खावण वास्ते मैं जनाब दफ्तरों निकले हां और पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जैक्टिव क्लब आ गए हां उमर रियाज चौधरी साहब और मुआज चौधरी साहब के नाल बस इतना असा खाना शाना ऑर्डर कर दिता जनाब बारबीक्यू और साड़ी चिकन कड़ाही आँदी पई है खाना खाते हैं काफ़ी ज़बरदस्त जगह है मैं पहले भी तो आपको बल्कि दिखाई है बहुत पुरसकून और बड़ी पुरअमन जगह है पंजाब यूनिवर्सिटी वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त जगह है वल जरा एग्जैक्टिव क्लब है ना और इन्हों का लॉन वगैरह बड़ी खूबसूरत जगह है और इन्हों का खाना वगैरह एक तो बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा टेस्ट वाइज बेहतरीन होंगे असा जनाब यूनिवर्सिटी तू खाना खाते ना निकले हैं हूँ असा कि बही जाते बनते बस हूँ कोई मिठे शिठे वास्ते ज़्यादा नहीं कर ली नीचे से और पंजाब यूनिवर्सिटी तो निकलते पे हैं और हूँ बाहर कि बनते बांधे हैं क्यों उमर साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे जी बिल्कुल सुनैन भाई थोड़ा ऊँचा बोलें प्लीज यही पैगाम दूंगा कि भाई थैंक यू आपने बड़ा अच्छा डिनर करवाया तू रहने डिसाइड कर ले फिर अब क्या तू रहने दे यार तू पैगाम ना ही दे पैगाम यही है कि मेरा वसीब दे लोका दा ख्याल रखो अच्छा ते अपना ख्याल रखो चलो सुनैन दे वास्ते भी दुआ करो बस और की असा जनाब आ गए हैं टिम हॉर्टन्स कॉफी शॉप टिम हॉर्टन्स तो आपको पता है वैसे ही बड़ी आजकल मशहूर है और लाहौर है चीजें हूँ त्रै चार ब्रांचा थी तो असा पहुँच गए सीधा टिम हॉर्टन्स अंदर बांधे हैं कोई चाय कॉफी करें सारा ऑर्डर जनाब रेडी और जो मैं तो दसा है कि इतों आप घिनना पौंदे ये टेबल ते सर्व नहीं करेंगे तो बस अपना ऑर्डर घिनते थले देने
शुक्रिया दोस्त। ऑर्डर जनाब साढ़ा आ गए और असा आ गए हैं थले। इन्ह की सीटिंग आउटडोर भी इन्ह की सीटिंग है बड़ी ज़बरदस्त और इनडोर भी सीटिंग इन्ह की अच्छी है। उत्ते भी है मल थले भी है तो थले ज़रा ज़्यादा सब लगता पाया कि पुरसकून है तो असं थले आके बह गए हैं जनाब। मैं जनाब दोस्तों तो निकले और सीधा पहुंचे घर और घर आते तो आपको पता है सब तो पहला टाइम होंगे आमना दा और हूँ मैं आमना को गिनते निकले हैं। लेकिन अज जे रहा है ना असा सिर्फ लेज वगैरह और कोई चीज़ खावन पीवन दी गिनते ना इको मैं समझाए और असा वापस घर आवे सु बस घर के पिछू ही मार्केट है उतें ही वेंदे पे क्यों जो जेरी दुकान पर असं डेली वेंदे उगर गए उसे तवल तो आपको पता है खतरनाक है कम ते असा बस जरा ना मैं और आमना निकले हैं और हूँ असा वेसू सब तो पहले दुकान पर उतू कोई चीज़ खावन पीवन दी आमना वास्ते लेज बिस्किट वगैरह घिनसू और वल असा घर आवेसू वापस। बाबा जी बाबा बाबा जी बाबा नो मेरी जान यही तो अभी मैं बता रहा था अभी तो हम लेज लेने जा रहे हैं ना लो जी को पता लग गए कि अज दुकान ते नहीं वेंदे पे हैं लेकिन उन्हें ना घेनगी दे के जी मैं टॉयज वाली शॉप पे जा रही हूँ और ये वाला काम जरा ना खतरनाक है ते असा इतों कोई छोटा मोटा टॉय भी घेन गिन दे शॉप तू नाल कोई खावन पीवन दी चीज घिन गिन दे और उन्दे तो बाद वापस निकल दे। लो जनाब आमना खुश थी गई है ता आमना दे खावन पीवन वास्ते कुछ चीज़ा घिन गिन देन और नाल कलर्स घिन गिन देन ब्रश है इन्दे नाल जरे पोस्टर कलर होंदे ना ये वांते होण जरा है ना ये हूँ करेंदी रासे ता अज दा दिन जरा है ना इन्दा हूँ खुश गुजर से चलो वाली को कुछ ना कुछ घिनते तो देवना पौंदे चलो अज जरा थोड़ा इन्दे नाल बल्कि कलर जरी अच्छी चीज़ है चलो पहले भी खैर कलर तो घिनती रहती है लेकिन अज एक दूजा जरा पेंट कलर होंगे ना पोस्टर कलर्स वो घिनते दिते हम जरा अज का दिन उन्दे आ रहे लगी रहा से क्या लेके दिया बाबा ने अपने बेटे को अब मेरा बेटा खुश हो गया फांटा भी लेके दिया ना बाबा ने आपको तो फिर आपने बाबा को थैंक यू ही नहीं बोला चलो मेरी जान अब हम घर चलते हैं घर जाके कलर्स करेंगे ठीक है बाबा, जी बाबा भी कलर करूंगी जी मेरी जान आप भी कलर करोगी ना बाबा जी बाबा भी साथ करेंगे जी मैं भी आपके साथ कलर करूंगा बाबा मेरी मामा भी मेरे साथ कलर करेंगे जी आपकी मामा भी आपके साथ कलर करेंगी आपकी फूफो भी आपके साथ कलर करेंगी जी आपकी अम्मी भी आपसे कलर करेंगी ए जी अपनी माँ को से देंदी है मामा और अपनी दादी को से देंदी है अम्मी क्यों जो असा अम्मी से देंदे अम्मी को ते ए अपनी दादी को दादी नहीं से देंदी ए अम्मी से देंदी है और मामा को जेरा है ना अपनी माँ को जेरा है मामा से देंदी है। असा जनाब कलर्स खेलते घर आ गए और हूँ आमना जेरा है ना बहुत ज़्यादा खुश है। आमना क्या कर रही है मेरी बेटी कलर्स करके क्या लिख रही है मेरी बेटी कलर करके क्या बना रही हो आप मेरी बेटी बेटी बैलून बना रही है मेरी बेटी अच्छा कितना प्यारा बैलून मेरी बेटी बना रही है शाबाश ओके मेरी जान आप कर लो कलर मेरी प्यारी बेटी आमना तो अजन तले जरा है ना कलर्स करने मसरूफ है और मैं आ गया रूम में क्यों जो टाइम काफ़ी ज़्यादा ही थी वेंदे हालांकि हूँ तकरीबन रातें लंबिया थी वेंदे और 7:30 बजे आजकल इशा थी वेंदी है बल्कि 8 बजे तक और 12-1 बजे का टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम महसूस थी दे लेकिन वल भी सुनदे सुनदे जरा है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग में दे बस हूँ जरा है ना कपड़े शपड़े बदले दे सुमन की तैयारी करें दे बाल भी उत्ते आते पे विलॉग इतें ही एंड करें दे
नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह तुहाडे नाल कल शेयर करे सो अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो वसेब दे लोकां दा ख्याल रखे सो अल्लाह हाफिज़।